ये देखिए कंसोल पे लाइटें सारी आ गई हैं। अब स्टार्ट करते गाड़ी को देखते हैं। नहीं हुई, फिर से करते हैं। नहीं हुई, इसका मतलब है बैटरी बिल्कुल ख़त्म है। चले फिर शुरू करते हैं, खोलते हैं गाड़ी की बैटरी को। ये हमारी बैटरी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है 12 वोल्ट 39 Ah, 39 एम्पीयर की बैटरी है। लेकिन अब समस्या ये है कि ये वाली जो बैटरी है 39 Ah की, अभी आपको बाहर मिलेगी नहीं। अब आपको जो बैटरी मिलेगी वो मिलेगी कम से कम 50 या 45 Ah की। इससे नीचे की आप लोगे तो शायद काम नहीं करेगी, तो काफ़ी गाड़ी थोड़ी हैवी होती है, वो बड़ी वाली गाड़ियाँ, तो इनमें बड़ी बैटरी लगती है। तो चले फिर बैटरी को खोलने स्टार्ट करते हैं। इसको पहले आपको ये खोलना पड़ेगा पूरा, जो मैंने पहले खोल दिया है। फिर आपको ये दोनों टर्मिनल खोलने हैं। एक बार ध्यान रहे कि बस आपस में टच ना हो, क्योंकि बैटरी बेशक डेड हो या कितनी कम हो, लेकिन फिर भी इसमें इतना होता है कि एक बार मैं अपने हाथ जला चुका हूँ, तो कृपया सेफ्टी से। तो चलो खोलते हैं बैटरी को एक बार। तो ये लीजिए दोस्तों, यहाँ से मैंने बैटरी पूरी खोल ली है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और ग्राउंड। अब हम लगाएंगे इसमें अपनी एक अलग बैटरी, जो कि है ये। अब आप ये मानोगे तो ये है 12 वोल्ट 50 Ah की बैटरी है। बस आपको ये ध्यान रखना है इसमें L और R का। जो बैटरी ये मेरी फ़िलहाल 50 R वाली है, 50 L की भी आती है। जो 50 L में ये आपके नब कोई थोड़े पॉजिटिव इधर हो जाएगा, नेगेटिव इधर हो जाएगा, थोड़ी बड़ी आती है वो बैटरियाँ। तो लगाते हैं, लगाने के बाद दिखाता हूँ आपको दोस्त कैसे लगती है। लो जी, लेके राम का नाम और करते हैं शुरुआत। ये कंसोल पे सारी लाइटें पहली तरह आ गई हैं। अब हम करते हैं स्टार्ट। थोड़ा टाइम लिया है लेकिन हो गई है। और RPM आप देख सकते हो, तो जो कंपनी से है इतनी ही होनी है। अभी धीरे धीरे ये इको मोड पे आ जाएगी, अपने आप सेट हो जाएगी। अब देखते हैं चल के बैटरी की कैसी हालत। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमारी गाड़ी चलती है, आवाज़ है, काफ़ी वाइब्रेशन है, आप देख सकते हो। ये शायद महसूस पता नहीं कर पाओ ना कर पाओ, पर गाड़ी में वाइब्रेशन हमेशा थी, शुरू से है, अब भी है, अभी रहेगी, ये शायद मिट भी नहीं सकती। और ये हमारी नई बैटरी RDIN 50। अभी हमारे पास 12 वोल्ट 50 Ah की बैटरी है, ठीक है जी, एमरोन की। तो भी पहले भी इसमें एमरोन की थी, वो थी 39 Ah की। अभी हमारे पास 50 Ah की बैटरी है। तो अब इसका रिस्पांस देखते हैं ये कितने साल चलती है। तो दोस्तों, यहाँ की ये वीडियो अब ख़त्म होती है। आप होप यू लाइक एंड एंजॉय, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।